फाइनली आ ही गए जी मॉम्स डार्लिंग बेबी शॉप, क्योंकि सैंड्रा को सामान लेना है बेबी स्टफ। यहाँ हमें ना सारा इम्पोर्टेड माल भी मिल जाता है, जैसे फॉर्मूलाज, ऑर्गेनिक कैंड मिल का भी। अरे वाह, ओके बाथ ऑल्सो, चल लेट्स गो। सारे बुपड़े हैं जो हम कनाडा में यूएस में लेते हैं। You like this snake? I like this one better. It's a frog. It's not a snake. It's a froggy? Oh, sorry. We have been so stressed about कि भाई कैंडा मिल का हमें चाहिए और पूरे मतलब यूके यूरोप में इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। हमने बहुत सारा देखा, जर्मनी तक में नहीं मिल रहा था। मेरा फ्रेंड जर्मनी से आ रहा है, हमने हिप मंगवाया उससे और यहाँ पड़ा हुआ है कैंडा मिल का 15 सेक्टर में, मतलब हमारे घर से 10 मिनट। तो अब ये है कि अभी तो हमने मंगवा लिए हिप वाले, जर्मनी से आ रहे हैं, तो वो यूज करके, क्योंकि ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मिल का बना हुआ, वो यूज करेंगे अभी 1.5-2 महीने, उसके बाद यहाँ से कैंडा मिल ले जाएंगे। तो नंबर वन होता है ना बेबी वाला, मतलब इन्फेंट, वो नहीं मिल रहा था कहीं। The shop called Perfect Bake. The cupcakes. Oh, nice. I think the white one will do. Yeah, white one will do. एक बात बताओ, वाइन वगैरह कुछ रखवा ले लेडीज के लिए? हाँ, वाइन रख लेना सर। कौन से रखवाए? रोजे, वाइट, रेड? रोजे में से लेडीज प्यार शौक से लेती हैं। मैं तो क्या रहूं, केटरिंग के चक्कर में मत पड़ो आप। पर सर 20 बंदे तो हमने गिनी लिए ना। 20 गिन लिए बट केटरिंग लाइक है नहीं। 20 बंदो, अब सर उस 8-10 बंदों में भी भागा थोड़ी हो गई थी। खाना वाना मंगा लो, गर्म करने के लिए कुक बुलवा लो, या तो कोई वेटर वगैरह। दो वेटर हो जाएंगे। तो जब खाना मंगवाना ही है तो केटरिंग करके उस हिसाब से पैसे दे के मंगवाना था कम से कम अपनी पसंद का, तो वरना तो हमें पोर्शन मंगाने पड़े। 2 बटर चिकन ले आओ, 1 मटन ले आओ, 3 प्लेट टिक्के ले आओ। तो वो केटरिंग में क्या रेट लगाएंगे? यही रेट लगाएंगे जो भी लगाएंगे, मगर फिर उसमें आप आइटम अपनी सिलेक्ट करके बता सकते हो, भाई हमें 5 स्नैक्स ये रखवाने, ये रखवाने, फिर ना अलग अलग कंटेनर खोलने का लफड़ा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बूफे टाइप यहाँ पे सेट कर देंगे। मैं तो देखो जी सोच रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि इधर एक टेबल लगा दिया जाए जिसपे स्नैक्स पड़े हो, जिसको चाहिए अपने आप डिस्पोजेबल प्लेट में बनाए। बाहर का करूंगा है, बाहर का करूंगा, वो नहीं, बाहर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। व्लॉगर्स फ्रेंड को किसी एक दो को इनवाइट कर लो सर, ये अभी स्कूल फ्रेंड्स वाली हो जाए ना। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद व्लॉगर्स फ्रेंड्स को दबा के इनवाइट करेंगे, सारे आएंगे। हाँ नहीं भाई, अनु ने भी नहीं है यहाँ पे, अनु है नहीं, यूएई गया हुआ है वो काम से, और पहले उसको बुलाया हुआ था मगर उसका फिर यूएई से ही सीधा किसी और कंट्री जाने का बन गया। बीच में आ रहा 4 दिन के लिए, पर वो कह रहा मैं वहीं से जाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे अपने लिए स्प्रे वाली बीटाडीन मंगा रखी थी, इंडिया मिलती नहीं है, तो वो उसने मेरे को देने आए थे, तो उसने कहा मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वो है ही नहीं इंडिया। सरदार जी कह रहे आपके बेडरूम लिविंग रूम का पैनल तैयार कर दिया, चलो देख के आओ क्या खूबसूरत पैनल है। आप आए हुए हो, आपका फायदा उठा लूं एक मिनट? नहीं नहीं यार, चल चल प्लीज, तू तेरे का हाथ पकड़ा साला गला पकड़ता है यार, पीछे लगा लो यार। यार मनोज सही इंसान है भाई, यार मैं मेन्यू तो आपसे फाइनल करवाऊंगा। एक तो यार भाइयों को इज्जत दो, जो आएगा आप सिलेक्ट करो। इज्जत आपने दी लेकिन आपने क्या बोल के बुलाया था मेरे को 15 मिनट, यहाँ पौना घंटा हो गया है। पौना घंटे का तो बीच में आपकी फोन कॉल भी तो बथेरी आई है। अरे दो तो कॉल आई है, तो दूसरा मसला जो कैमरे में बता नहीं सकते उसमें भी तो टाइम लगा है, उसका क्या करना है? दबा दो ना, चलो बेल्ट लगाए। मुझे नहीं पता सुबह केटरिंग से रिलेटेड बात हुई थी, तो वो मेन्यू आइटम फाइनल करके, तो सर आप एक मिनट देख के मुझे बता दो ना क्या क्या आइटम रखवा दें। आप मेरे को मेन्यू भेज दो, मैं अभी आप भेज दो, अभी डिसाइड कर पाऊंगा, बट मैं कर लूंगा शाम तक। ठीक है ठीक है, आप शाम को तो आप काम आ जाऊंगा, शाम को जल्दी जाके कर लेंगे, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। आप आ गए हो बड़ी मुश्किल से, इन्होंने हां करवाई है हमने आउटिंग के प्रोग्राम की, तो 15-20 मिनट में उसमें लगा के हाथ के हाथ होटल भी करवा देख लेंगे, कर लेंगे, अभी प्रॉमिस नहीं करता। 29 तारीख को हम जा रहे हैं, उस चीज की तो प्रॉमिस है, शाम को आके वो फाइनल करवा पाऊँ या ना करवाऊँ, बट आपका केटरिंग वाला काम कराऊंगा। बात बोलो मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं देख लेंगे सर, चलो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, शाम को मिल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं, ओके ओके थैंक यू। थोड़ा टाइम के लिए आता हूँ ना तो थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ, जितना टाइम भाइयों के साथ मिल जाए। मैं सर दीदी से भी मिल लूं और उनको रिमाइंड करा दूं ना। ये डिनर पे आना है सबने, घरी
अभी पता लगा है मनन और इरा वो तो गए हुए हैं थाईलैंड कोई शादी अटेंड करने के लिए, 2-3 दिन में वापस आएंगे, उसके बाद बनेगा कार्य। मगर मेरे को दीदी ने फोन नंबर दे दिए, एक केटरिंग सर्विस का और एक वो जो इनके घर पे जब गेट टुगेदर इस वाले घर में होती थी और अभी यहाँ पे भी जो टेबल चेयर वो सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज करके चले जाते हैं, रेंट पे फिक्सड होता था। उनको भाई साहब को फोन किया, वो कह रहे हैं मेरे को अगले दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमारे 4 फंक्शन बुक है, तो अब कुछ और बंदोबस्त देख रहा हूँ। दीदी मेरे को कहा जब गैदरिंग होती है ना तो ये एरिया बहुत बढ़िया रहता है, तो अगर वो आ जाते हैं टेंट के लिए पर वो अगर अवेलेबल हो तो यहाँ पे जो है अपना पूरी डेकोरेशन हो जाती है और इधर टेबल्स लग जाते हैं, राउंड टेबल्स चेयर्स लग जाती हैं और यहीं ओपन में बारबेक्यू वगैरह भी लग सकता है। बट अभी क्योंकि थोड़ा सा पोल्यूशन का मसला भी है प्लस लोग भी हम 20 ही, तो जब सारी फैमिली का इकट्ठे डिनर होगा ना दादगो नानगो का उसमें कंसिडर करेंगे उसको। और उन्होंने ये भी बोला कि अंदर भी जो है वो क्या करते हैं कि अगर लोग ज्यादा हों, अरे बंद है तो खुलो जरा, तो दीदी कहते हैं यहाँ पे ना बार टेंडर बार लगा सकता है और डाइनिंग टेबल जो है ना वो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, ये इस एरिया में भी आ सकता है और यहाँ पे राउंड टेबल 4-5 लग सकते हैं, तो उससे ये 8 की जगह 20 बंदों के बैठने की जगह बन सकती है। वो कहने इस घर में हम 30-40 लोगों का जो है इजीली गैदरिंग करते ही। अरे हमारे छोटी लाल क्या कर रहे हैं, खेल रहा है भाई अपने इस पे, वेरी गुड। मम्मी ये तो फिर सोया नहीं होगा इतनी देर से, है ना? नहीं सोया, पूरी फुल एनर्जी है भाई में। अच्छा मेरे कंधे पे बड़ी देर रहा है। अच्छा फिर आप फिर भी इसकी बोतल दे दी थी इसको, बोतल के बाद ठीक है, झपकी ली बस फिर उठ गया। लगे रहना पड़ता है इसका, हाँ ये बातें और टाइम मांगता है, इसे बातें चाहिए होती है फिर। हाँ हेलो शेर, हाउ आर यू? भाई अपनी अगली ड्यूटी कर देना, ये लगा के एक बार छोड़ देता हूँ, हो जाएगा। कल मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि सैंड्रा जो है वो तो सोती रहती है, सारे काम तो मम्मी और आप ही कर रहे हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी देती है जो कि बहुत मुश्किल है देनी, वो है पूरी रात को जाग के मतलब जेडू को संभालना, क्योंकि एक 2 घंटे बाद वो उठता है, फिर फीड लेता है, फिर उसको बर्प कराना होता है, उसे कपड़े बदलने होते हैं, डाइपर चेंज करने होते हैं, तो उसमें नींद बहुत बार उखड़ती है, तो पूरी 8-9 घंटे के स्ट्रेच में उसको 3.5-4 घंटे की नींद मिलती होगी, तो इसलिए सुबह उठते ही वो मम्मी को और मुझे पकड़ा देती है, और फिर जब तक वो दोपहर को उठती है तो अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम जाते हैं, वरना घर के ये सारे काम ऐसे डिवाइड हुआ हुआ है, सारे ड्यूटीज बटी हुई हैं, किसी को चैन नहीं है, सब भगे हुए। और थोड़ा आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भी मोनोटोनस हो गया है, पार्टी प्लानिंग फिर पार्टी फिर डिनर और ये वो, पर अभी हमारी लाइफ यही है पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं चाहता हूँ 5-6 दिन आने तक सैंड्रा और जेडू बाहर ना निकलें, जितना इनका रेस्ट हो सकता है, जेट लैग सेटल हो सकता है, और जेट लैग भी एक वजह है कि वो रात को जागती है तो वैसे ही उसको नींद नहीं आ रही होती उस टाइम थोड़ी भी है, एक हफ्ता घर में सबकी बॉडी सेटल हो जाए, तो जो हम कर सकते हैं हमने कहा इस टाइम को फिर इसी तरीके से यूटिलाइज करें कि सारे भाई लोगों से मिल लें, घर का जितना काम मैं देख सकता हूँ वो करवा दें, जिन लोगों ने आना है रिश्तेदारी फैमिली सब ने, क्योंकि जेड से मिलना तो है, तो इस दौरान बाहर निकल, वरना अगला प्लान बाहर निकलने का ऑलमोस्ट सेट हो गया। पांच नंबर गुप्ता जी ने बड़े बोल्स चाहिए प्लास्टिक के, अगर हो तो ये ठीक है, इससे और भी बड़े हैं, ये सबसे बड़े लास्ट, ये लास्ट है, तो ऐसे 3 दे, तो जो है जी छोटू की बॉटल्स धोने के लिए, बाकी आइस बकेट भी लेनी है एक बड़ा। चाचू से कपड़े उठा लें, ये हो गए कपड़े, शर्ट दे दो बाकी मैं बाद में ले जाऊंगा, क्योंकि इनका भी पहनने का जमाना जाने वाला है और बड़ी मुश्किल से मैं पतला हुआ हूं तो ये फिट आ जाएंगे मेरे को। यार तंदुरुस्त बंदर था भाई, वो आ गया। एक काजू का पैकेट दे दो 1/2 किलो का, 2 क्रीम चाहिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी की डिस्पोजेबल प्लेट देगा, अमूल क्रीम छोटी। फ्रेश गुआकामोले भी बन गई सैंड्रा के लिए और ढेर सारे एवोकाडो भी ले लिए।
बाकी हमारी मैडम ने कहा कि भाई अब ओवन आ ही गया तो फिर आज थोड़ा मलाई टिक्का खाने का मन है, तो इसलिए उनके लिए काजू ये शेफ भाई साहब ने और क्रीम कही थी ये मंगा दी थी, तो ले आया। अभी लंच में मैं अपने लिए खाऊंगा गुआकामोली, सुबह उनसे भिंडी बनवा ली और मम्मी ने कुछ साग बनवाया क्या बनवाया है पता नहीं, और दाल भी है। पार्टी की दाल मखनी थोड़ी सी बची हुई थी, भिंडी के साथ अभी चलेगी बढ़िया। रात को 9:30 बजे खाना खाया था और अब बज गए हैं 4:30, तो अच्छी खासी फास्टिंग हो गई आज और भूख फील नहीं होती मेरे को बिल्कुल भी इतने घंटे भी। लो जी निकलता निकलता देखो कौन मिल गया हमें। सरप्राइज दिया सर। पारिक साहब को रोका। पारिक साहब इंटरनेशनल यूए रहते हैं। तो साहब को मिलना था इसी बहाने मिलना हो गया। देखो कितने बढ़िया दिन के मिलना हुआ। बाहर गए हुए थे कहीं? बाहर गए हुए थे। ये तो जब से मैं आया हूँ तब से इनके इंटरनेशनल ट्रैवल ही चल रहे हैं कुछ काम के सिलसिले में, बट अब तो हो सर अब यही है। मैं तो आपको क्या बोला आज आपको? मैंने इसको याद दिलाने के लिए फोन करा कि कल भाई डिनर है। मैंने बोला मनोज साहब को आप संडे घर पे हो? कह रहे सर बिल्कुल है। मैं कहां आ रहे हैं फिर? सर का डिनर सारे यार दोस्त इस बार इकट्ठे हो रहे हैं, कल ही बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां क्या सर? अब ये खड़े करता धरता तैयारी यही है, इन्होंने सब कुछ करना। अरे वाह वाह। और सुनो पैसे भी नहीं देने। अरे कांग्रेचुलेशन आप देखो आप ही बोल सुनो सुनो सर पता ही नहीं इस फ्रेम में सिर्फ पारिक साहब को लाओ। अरे पारिक साहब नहीं हम तो हमारी औकात हम क्या खड़े होने। अरे सर हम इनकी वजह से ठीक है ठीक दोस्ती रहनी चाहिए, बाकी सारी चीजें मत करा कर मेरी बात। इतने किले इतने महल कहां बना के जाओगे भाई साहब? छोड़ भाई यार ये सब आपको दे जाएंगे। ऐसा है बोलो बोलो क्या कहते हैं? हाथ तो मिल गए हैं, मैं कह रहा हूं आज ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे आज ही नहीं, आज इसको रोक लो। पार्टी पर आज नहीं बाबू जी, ये तो कुछ नई आइटम ले आए हो आप। हां जी सर। ये अलेक्सा का? हाँ जी सर। हाँ जी। ओहो बाहर से मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। ओके अंदर घुसो। आशीर्वाद है आप आए हो तो मैंने कहा। अरे आशीर्वाद एक तो यार तारिक साहब इतने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी वो करवाना है सर करवाना है विजिट करवा दो। इतने लोग रिनोवेशन पे चल रही है पूरी फर्स्ट क्लास। अच्छा। करवा के जब आप आओगे इस बार 100% मेरे भाई साहब मैं तो फैक्ट्री देखना भी चाहता हूँ और सबको दिखाना भी चाहता हूँ। पता लगे पारिक साहब जो हैं शहर के नामी ग्रामी बिजनेसमैन में से एक हैं, प्लस इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट जिसे कहते हैं ना वन ऑफ द फाइनेस्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोडक्ट्स केमिकल्स। नॉट ओनली दैट बल्कि पूरी पूरी इनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कस्टम बन गई है। इनका जरा स्केल थोड़ा अलग लेवल का है मगर बंदे जो है ना हमारे साथ पड़े हुए और उठने बैठने बातचीत करने में इतना हम्बल बंदे है कि कोई कह नहीं सकता कि कहां पे है ये। तो आप इतने हम्बल हो तो हमें तो रहना ही पड़ेगा सर। अगर कुतुब मीनार बोलेगा नहीं 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 किसी के सामने तो हमें तो रहना करना। ये सर बुर्ज खलीफा से भी 3 गुना ऊपर है कुतुब मीनार की बात कर जाए बट कोई बात नहीं। ये सारी बातें तो ठीक है। बाकी सर प्रोग्राम क्या है हमें क्या सीन है हमारा? हमारा सर संडे को सारे फ्रेंड्स के साथ डिनर है सारी फैमिलीज के साथ और जैसे ही वो निपट जाएगा बीवियों को लगेगा कि हमें भी इन्वॉल्व किया है। हाँ। एक दिन निकल लेंगे लौंडे लौंडे बापियों से परमिशन लेके। सर मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात समझो अब आप। हाँ मैं समझ गया बंद कर दो रिकॉर्डिंग। नहीं हाँ वो तो कर दो। अच्छा ठीक है वो करो ना करो मैं कह रहा हूँ आप आए हो तो टाइम का थोड़ा यूटिलाइजेशन भी किया जाए, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो देखो घर वालों के साथ पार्टी करनी बिल्कुल जरूरी है, सबको मिलाना आपके बेटे को मिलना मिलना है वो सारा कुछ करके फिर थोड़ा बाहर का पहले पर्सनल टाइम भी निकाल ले। बिल्कुल 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 पर्सनल टाइम। मैं तो आओ देखा ध्यान से लेक्सस है। वाह सर वाह। पिछली बार आया था तब भी तो थी। नहीं तब पिछली बार आप कितनी बार दो पूरे टाइम आप तब भी बाहर थे इंटरनेशनल ट्रिप पे देखो ये मतलब ये साइन दो है दो वेज रखे। आई एम बैक विद टू वेजिटेरियन तीन सर। अब जीत जी का हाथ है यहाँ पे सब बहुत बढ़िया डिस्काउंट लगवाया सब इन्होंने करवाया डिस्काउंट। पहले 200 रुपए प्लेट का रेट कम करा दिया। 36-37 साल तो हमें भी हो गए पहली बार डिस्काउंट करवाया आदमी ने मेरे को तो कभी नहीं करवाया। सर सुनो जो आदमी डिस्काउंट में बिलीव ही नहीं करता सर। अच्छा कौन सा 5,000 मांगता 5,000 6 भाई साहब आज तक कभी 1,000 से ऊपर नहीं दिए। आप भी कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं जिस दुकान में आप गए थे ना हो सकता है अंदर भी नहीं 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 वो किराए पे बैठा हो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी दुकान है बैठा जान पहचान में खास दुकान है रास्ता में।
फिर उस टाइम आप मेरे से बातें मत करो, चंडे बात करेंगे और कितना पर से बहुत रौनक लगेगी जब सारे इकट्ठे होंगे, जब आपको मिलेंगे 3 यार नहीं बहुत सारे यार, 8-10 मिल रहे हैं वो कहां गए सरदार जी, सरदार जी किसी फार्मेसी में चले गए, जब सर थोड़ी ले लेंगे ना तो सबकी लेंगे कह रहे हैं कि कल अल्कोहल की बात उठी कौन सी रखवानी है, कह रहे हैं ग्लेन मोरे जो है 48% अल्कोहल है वो पैग कम कह रहे लगेंगे उसमें, मगर फिर भी यार 48% बड़ी वो है, तभी मेरे को लगता है उन्होंने मीठी बनाई है जानबूझ के, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा है, मीठी मीठी कुछ नहीं है, दो पैक के बाद टेस्ट ही नहीं पता लगता नहीं, 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 यार अच्छा था, बहुत था, अच्छा टेस्ट है मेरे भाई, मैं और तू जानते आदमी को सोच समझ कल दारू कौन से रखनी है ये भी आप सबसे बढ़िया मंकी शोल्डर ले लो, ज्यादा वो मत रखो, लोग पता नहीं किसकी क्या वो है यार, मंकी शोल्डर ऑल फेवरेट, कल को तेरे यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत बड़ा है, पता चले 1 night stay ही हो चुका है सबका मैं अगर टेंट वाले कोई अरेंज नहीं हो रहे जिस डेट को हमारा फंक्शन हमने गेट टुगेदर करनी है, भारी साया इतना है कि किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो पारिक साहब फोन मिलाने, मैं पारिक साहब को एक बार जगह भी देख लो, क्योंकि हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो है ना 2 टेबल लगा दिए जाए जिस पे लोग बुफे वगैरह स्नैक्स अपने आप ही रखें, फूड वार्मर उनके ऊपर लगा के उसके अंदर जो है सामान आ जाएगा और अरेंज हो जाएगा, क्योंकि जो केटरिंग वाले हैं ना वो क्रॉकरी नहीं देते, क्रॉकरी बहुत महंगी पड़ रही है, अगर बनानी हुई मिनिमम 100 बंद हो जाती है।